देख 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 एक्सक्यूज मी, ये हमारी नई बिल्डिंग है, आए विजिट करा दें। सुनिए, मेरी दो मरतबा मंगनी टूटी है, मुझसे कोई प्यार ही नहीं करता, अगर आप थोड़ा सा कोऑपरेट कर लेंगी तो मेरी जिंदगी सवर जाएगी। अरे सॉरी मैडम, एक घटिया लोग हैं, बकवास कर रहे हैं। आए मैं आपको एयरपोर्ट छोड़ दूं। बासित, अनिका आई नहीं अभी तक, इतनी देर हो गई है, तुम तो कह रहे थे अपनी सहेली के घर गई है। क्या बात है, कुछ तुम दोनों के बीच कोई झगड़ा हुआ है? वो नाराज होकर अपने माँ बाप के घर तो नहीं चली गई? बोल क्यों नहीं रहे? मुझे बताओ बेटा, अगर ऐसी कोई बात है तो मैं जाकर उसे मना कर ले आती हूँ, बताओ। लो वो आ गई। अनिका बेटा कहाँ चली गई थी तुम, इतनी देर कर दी तुमने, मैं बासित से कह रही थी। क्या बात है, इसने कुछ कहा है तुम्हें? नाराज होकर गई थी? अगर इसने कुछ कहा है ना तो मुझे बताओ, मैं इसके कान खींचती हूँ। क्या बात है बेटा, इतनी परेशान क्यों लग रही हो, क्या हुआ है और आई कैसे हो, क्या पैदल आई हो? अम्मी आप क्या बात को कहां से कहां ले जाती हैं? वो सहेली के घर गई थी ना, सहेली का बर्थडे था तो देर तो होनी थी। इसने फोन किया था मुझे पिक करने के लिए, मैं कॉल नहीं अटेंड कर पाया, लेकिन तुम्हें पैदल तो नहीं चलकर आना चाहिए था। अच्छा मुझसे गलती होगी, आइंदा कभी ऐसा नहीं होगा, I'm really sorry। वैसे तुम कमाल करते हो बासित, अरे तुम्हें कोई एहसास है जिम्मेदारी है या नहीं? बीवी है तुम्हारी, तुम्हारा फर्ज है कि तुम इसका ख्याल रखो। हद करते हो तुम भी, मुझे भी इतना परेशान करती है, जानते हो ना मेरी नींद का वक्त गुजर जाए तो फिर मुझे नींद नहीं आती, नींद का मेरा वक्त ही खत्म हो गया।